आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के साथ भगवान राम की मूर्ति की स्थापना की जा रही है, जिसको लेकर उत्तराखंड में भी अपार उत्साह नजर आ रहा है। वहीं सरकार की तरफ से राजधानी देहरादून के अंदर जगह जगह पर लेजर लाइट लगाई गई है, जिसमें श्री राम, हनुमान और माता सीता की तस्वीरों को रात में चमकाया जा रहा है। वहीं देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा के इस शुभ अवसर पर बाजार भी गुलजार है, जगह जगह पर श्री राम के झंडे बिक रहे हैं। तो वहीं कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं जो बिना मुनाफे के ही उन झंडों को बेच रहे हैं। इसी क्रम में व्यापारी प्रतीक का कहना है कि 22 जनवरी के लिए जिले के सभी नागरिक बंधुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। इसमें तो मेन सब यही है इस समय कि 22 तारीख के लिए हर आदमी के अंदर पूरा उत्साह है, हर्षोल्लास से त्यौहार मनाया जा रहा है और हर आदमी चाह रहा है कि अपने घर पे, छत पे, दुकान पे झंडे लगाए जाएं। तो सेल इस समय इनकी बहुत है, तो हम लोग भी यही कर रहे हैं, कोशिश की निस्वार्थ दिए जा रहे हैं, बिना नॉन प्रॉफिटेबल रेट पे दिया जा रहा है सामान और लोग ले भी रहे हैं, बहुत शौक है लोगों को। राजनीति तो क्या ही, हाँ हो तो रही है इसके ऊपर राजनीति, पर उसके ऊपर क्या कहना है, लोग तो अपने मन से कर रहे हैं। इस समय हिंदू तो सारा जुड़ा हुआ है और ऐसा नहीं है कि इसमें मुस्लिम भी साथ हैं, कई लोग मुस्लिम भी लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ से सब तरह के लोग लेके जा रहे हैं।